वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। वीडियो की स्टार्टिंग में ऐसा क्या बोले कि हमारे व्यूअर्स हमारी वीडियो को देखते रहें। आप लोग गलती ये करते हैं कि जो चीज़ बाद में कहनी होती है वो आप शुरू में कह देते हैं, और जो चीज़ वीडियो की स्टार्टिंग में ऑडियंस को हुक रखने के लिए बोलनी होती है वो चीज़ या तो आप स्किप कर देते हैं या तो आप बोलते ही नहीं हैं। इससे आपको नुकसान ये होता है कि आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन लो हो जाता है और लोग आपकी वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, और बहुत से लोग तो आपकी वीडियो को शुरू में ही क्विट कर देते हैं। इससे आपकी वीडियो पर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपने अपनी वीडियो को ना सिर्फ एडिटिंग के थ्रू ट्रैकिंग बनाना है बल्कि स्टोरी टेलिंग और स्क्रिप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उस पर भी ज़्यादा फोकस करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो सारे बड़े क्रिएटर्स यूज़ करते हैं अपनी ऑडियंस को हुक करने के लिए। इसीलिए जब आप उनकी वीडियोज़ देख रहे होते हैं तो आपको हर आने वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा होता है, क्योंकि वो सारे बड़े क्रिएटर्स इन 12 पॉइंट्स को यूज़ करते हैं अपनी ऑडियंस को हुक करने के लिए। आप इन 12 पॉइंट्स को यूज़ करके अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हैं। तो आप जब भी आप अपनी YouTube वीडियो को रिकॉर्ड करने लगे या स्क्रिप्ट लिखने लगे तो इन 12 पॉइंट्स को यूज़ करके आप भी बड़े यूट्यूबर जैसी इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकेंगे। ये 12 स्टेजेस आपको एक पावरफुल स्टोरी स्ट्रक्चर बनाने में मदद करेंगे। अगर आप इन सब को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी वर्ड्स भी आपकी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और आपकी वीडियो को कम्प्लीट वॉच भी करेंगे। हर एक पॉइंट की एग्जाम्पल मैं आपको अपनी वीडियो से दूंगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने फॉरेन यूट्यूबर से लर्न किए हैं और इसे यूज़ करके मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारे 12 के 12 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, सो डोंट स्किप एनी ऑफ देम। अगर आपने इनमें से एक पॉइंट मिस कर दिया तो आपकी वीडियो इनकम्प्लीट सी लगेगी। वीडियो के लास्ट में एक अनाउंसमेंट भी है। आप लोग जो कमेंट और मैसेज करते हैं इंस्टा पे भी, मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है कि भाई हमें इस तरह के थंबनेल वगैरह बता दो, तो उनके लिए ये अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी है, तो लाजमी सुन लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द मेन पॉइंट। नंबर 1 है स्टेटस क्वो, जो अभी चल रहा है या व्यूअर्स की करंट सिचुएशन। आपने अपनी वीडियो की स्टार्ट में एक कॉमन प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है, उनको एक ऐसी प्रॉब्लम बतानी है जो बहुत से क्रिएटर्स फेस करते हैं। आपने अपनी प्रॉब्लम को सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज में समझाना है ताकि उनको लगे कि हाँ ये मेरे साथ भी होता है। जब आप उनको ये फीलिंग देते हैं कि वो इस इशू में अकेले नहीं हैं तो व्यूवर्स ज़्यादा एक्टिवली देखने लगते हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा। ये मेरी वीडियो का स्क्रिप्ट है, मैं इस पॉइंट को कैसे यूज़ करूँगा। आजकल बहुत से लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं और थंबनेल क्रिएट करते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि उनके कंटेंट चाहे जितने भी अच्छे हों थंबनेल वायरल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन थंबनेल्स में वो अट्रैक्शन ग्रैबिंग इम्पैक्ट नहीं होता जो व्यूवर्स को क्लिक करने पर मजबूर करें। इस स्क्रिप्ट में मैंने करंट सिचुएशन भी बताई और लोगों की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई भी किया, जिससे व्यूवर्स ने रिलेट किया और मेरी वीडियो को वॉच करते रहे। आई होप गाइस कि आपको समझ लगी होगी इस पॉइंट की। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 है कॉल टू एडवेंचर, कुछ नया सीखने का मौका या दावत देना। जब आप अपनी वीडियो में ये बताते हैं कि व्यूवर्स क्या सीखने वाले हैं तो आपको उन्हें क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है कि उनका क्या फ़ायदा होगा और वो इस वीडियो से क्या नया सीखेंगे। इस टेक्निक को हुक कहते हैं, जो स्टार्ट में ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करता है और उनको पूरी वीडियो देखने पर मजबूर करता है। ये मेरी वीडियो का स्क्रिप्ट है। आज की इस वीडियो में हम ध्रुव राठी जैसा थंबनेल बनाएंगे जो फौरन अटेंशन ग्रैब करेगा। ये एक डायरेक्ट और क्लियर पॉइंट है जो व्यूवर्स को बता रहा है कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है और उन्हें इस वीडियो से क्या सीखने को मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 3 है असिस्टेंस, कोई हेल्प या गाइड जो सफर में मदद करे। यहाँ आप अपने व्यूअर्स को बताएंगे इस सफर में आप इनकी स्टेप बाय स्टेप मदद करेंगे। अगर मैं अपनी वीडियो की एग्जाम्पल दूँ तो मैं कहूँगा, मैं पिक्सेल लैब में एक एक स्टेप को डिटेल में बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हों। हर चीज़ को आपके लिए सिंप्लीफाई करूँगा, जैसे कैसे बैकग्राउंड चूज करना है, कलर कैसे मैच करने हैं, डिज़ाइन हायरार्की का क्या मतलब होता है। इस स्टेप का मकसद ये होता है कि आप अपने व्यूअर्स को कॉन्फिडेंस दिलाए कि आप उनको इस पूरे प्रोसेस में गाइड करने वाले हैं। जब आप अपने व्यूअर्स को ये बताते हैं कि ये एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाला है तो वो रिलैक्स फील करते हैं और उन्हें यह लगता है कि वो सब कुछ आसानी से सीख पाएंगे, यानी ये पॉइंट उनकी असिस्टेंस को हाईलाइट करता है। तो पॉइंट नंबर 4 है डिपार्चर, सफ़र या ट्यूटोरियल का शुरू होना। ये वो पॉइंट है जब आपका एक्चुअल में वीडियो का या ट्यूटोरियल का स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल, चलें शुरू करते हैं। पहला स्टेप है बैकग्राउंड को सिलेक्ट कैसे करना है। डिपार्चर का मतलब है वो पॉइंट जब आप अपने ट्यूटोरियल या वीडियो का असल में स्टार्ट करते हैं, मतलब अब तक आप व्यूअर को इंट्रोडक्शन और मदद के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन आप असली स्टेप या ट्यूटोरियल दिखाना स्टार्ट करते हैं। ये वो पॉइंट होता है जब व्यूअर को लगता है कि हाँ अब एक्चुअल में लर्निंग स्टार्ट हो गई। तो पॉइंट नंबर 5 है ट्रेल्स, ये वो मुश्किल स्टेजेस होती हैं जो सीखने के वक्त में आती हैं। जब आप पूरी वीडियो बना रहे होते हैं तो कुछ ऐसे खास स्टेप्स होते हैं जो बिगिनर्स के लिए मुश्किल हो सकते हैं। इन मूवमेंट्स को हाईलाइट करना और सिंप्लीफाई करना भी ज़रूरी होता है ताकि व्यूअर्स को गाइडेंस मिल सके। इस तरह आप उनकी प्रॉब्लम को पहचान के उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो उन्हें वीडियो से कनेक्ट रख। तो पॉइंट नंबर 6 है अप्रोच, वो वक्त जब आप अपने टारगेट के करीब होते हैं। इस पॉइंट पर आकर आप अपनी वीडियो का मेन एलिमेंट शो करवाते हैं, अपनी वीडियो का मेन स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एग्जांपल, जैसे कि
अब हम थंबनेल के मेन एलिमेंट को ऐड करते हैं, जैसे इमेज और टेक्स्ट। पॉइंट नंबर 7 है क्राइसिस, मतलब बहुत बड़ा चैलेंज या कोई प्रॉब्लम। इस स्टेज में क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है जहां कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही होती, मतलब अगर कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो आपने शो करवानी है और उसका बाद में सोल्यूशन भी देना है। एग्जाम्पल, अगर आपका टेक्स्ट स्टैंड आउट नहीं कर रहा तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आई होप वैसे आपको इस पॉइंट की समझ लगी होगी। आपने इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम बतानी है, उसके बाद उसका सोल्यूशन भी बताना है। पॉइंट नंबर 8 है टीजर, जो आप सीखना चाहते थे वो हासिल करना। ये वो पॉइंट है जब सब कुछ सही हो जाता है, हमने ऑलमोस्ट रेडी होता है, तो आपने अपने व्यूवर्स को ये रियलाइज करवाना है कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया और रिजल्ट आपके सामने है। एग्जाम्पल देखिए, अब थंबनेल तैयार है और ये थंबनेल व्यूवर्स की अटेंशन को फौरन ग्रैब कर लेगा। तो पॉइंट नंबर 9 है रिजल्ट, सीखने का आउटकम या रिजल्ट। इस हिस्से में आपने अपने व्यूअर्स को बताना है कि जो प्रोसेस आपने उनको बताया उसका क्या आउटकम निकला। इससे उन्हें पता चलेगा कि आपकी टेक्निक काम करती है और वो भी इस टेक्निक को अपनी वीडियो पर अप्लाई करने में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपने अपने व्यूअर्स को ये भी बताना है कि अगर वो आपके स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो उन्हें भी सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा और उनकी वीडियोस पर भी व्यूज आएंगे और उनका चैनल भी ग्रो होगा। पॉइंट नंबर 10 है रिटर्न, सफर खत्म करके वापस आना। इस पॉइंट पर आपने अपनी वीडियो को क्लोज करना है और अपने व्यूअर्स को ये रियलाइज करवाना है कि वो आपकी वीडियो को देखकर सेम इसी तरह का रिजल्ट देख सकते हैं और वो आराम से इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को एग्जाम्पल दूँ तो मैं ऐसे कहूँगा, आपको भी ये स्टेप फॉलो करने हैं और देखना कि आपके चैनल पर भी कितने अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो पॉइंट नंबर 11 है न्यू लाइफ, कॉन्फिडेंट आफ्टर लर्निंग न्यू थिंग्स। इस स्टेज में आप अपने व्यूअर्स को ये दिखाते हैं कि अब उनके पास एक न्यू स्किल आ गई है और उन्हें आपकी वीडियो को देखने का बहुत फ़ायदा हुआ, और इस पॉइंट पर आप उन्हें अपनी बाकी वीडियोस को वॉच करने का भी बोल सकते हैं। लास्ट वाले पॉइंट सिंपल ही है, आई होप कि आपको समझ लग गई होगी, बहुत ज़रूरी तो नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए। पॉइंट है रेजोल्यूशन, आखिरी फैसला या कंक्लूजन। वीडियो को कंप्लीट करते वक्त आपने व्यूअर्स को मोटिवेट करना है टू टेक एक्शन, मतलब आप कह सकते हैं कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें या कमेंट्स में अपनी फीडबैक दें या वीडियो को लाइक करें। ये पॉइंट भी सिंपल ही था, इस पॉइंट का तो आप पहले भी यूज़ करते होंगे। आई होप गाइस कि आपको इन सब पॉइंट्स की समझ लग गई होगी। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप वीडियो का स्क्रिप्ट लेने लगें या कोई वीडियो बनाने लगे तो इन 12 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपनी वीडियो का स्क्रिप्ट लिखना ताकि आपकी वीडियो प्रोफेशनल लगे। अब बात करते हैं जो लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन बता दें, या काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं कि भाई इस तरह के 4-5 थंबनेल मुझे भेजते हैं और कहते हैं कि इस तरह के थंबनेल कैसे बनाने हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ पर बना रहा हूँ, और इन 4-5 चीज़ों के अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, DM कर लें मुझे साकिब.राज/ मेरी आईडी, या फिर इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं कोई डिज़ाइन या कोई प्रॉब्लम पिक्सेल लैब में आपको आ रही हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी चीज़ पर बनाऊंगा, लेकिन आपने इस वीडियो पर 50 लाइक्स का टारगेट कम्प्लीट करवाना होगा। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा और उससे अगली वीडियो मैं थंबनेल पर कंप्लीट गाइड बनाऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जो थंबनेल वाली वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको डिटेल साइकोलॉजी बतानी है कि थंबनेल को कैसे बनाते हैं, कलर ग्रेडिंग, लेआउट्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग भाई मैं उस वीडियो में बताऊँगा। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।